नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। थानला में टीकाकरण की शुरुआत स्थानीय विद्यालय से की गई, जिसमें स्थानीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण की औपचारिकता शुरू के लिए क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह भूरिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष पवन नहार, बीएमओ हरि ओम गुजर, वरिष्ठ बाल चिकित्सा कमलेश परस्ते, बीओ संस्था प्राचार्य क्रिस्टीना डोडियार, आयोग के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल हक खान सहित स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करते हुए की। इस दौरान विद्यालय के कक्षा 10वीं तक की समस्त छात्राओं को खसरा और रूबेला के टीके लगाकर उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है अपना, और उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है और अभी 15 तारीख से, मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है और 21 फरवरी तक अभी अपना प्रोग्राम 21 फरवरी तक चलेगा। इसमें अपने ब्लॉक में लगभग 83,000 बच्चे हैं। 83,000 बच्चों का लक्ष्य प्रारंभिक चरण में हम स्कूलों में करेंगे, जिसमें 44,000 बच्चों का हम टीकाकरण करेंगे। इस मिशन में, मतलब इस कैंपेन में स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी वाले, स्कूल वाले और सब मिलके लगभग 700-800 लोग लगे हुए हैं। टीकाकरण का उद्देश्य है कि मीजल्स, मतलब जो छोटी माता होती है, उसका अपने को नियंत्रण करना है 2020 तक। और इसके अलावा इसमें एक रूबेला का और ऐड किया है, तो इसका भी अपने को कंट्रोल करना है। थानला से मानकलाल जैन की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।